अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम सर, फरमाइए सर, कैसे हैं? खैरियत है? शुक्र अल्लाह पाक का, दुआएं हैं सर आपकी, फरमाइए सर। प्यारे भाई, मुखातिब करने के लिए आपका नाम तो उस्मान साहब है, और आपका टीएल कौन है? जी सर, मेरा टीएल भी उस्मान शहजाद साहब है। नहीं तेरी साहब मर ब्रिज तो। जी जी सर। अच्छा सर, एक नंबर नोट करिएगा, 0345। जी जी सर। 2375। सर 2375, मसला क्या आ रहा है बताइए? मसला ये आ रहा है कि यार मेरे ख्याल से टेलीनॉर वालों का बेड़ा गर्क हो गया है यार। सिग्नल कितना इशू आ रहा है हमारे इलाके में, पता नहीं मसला आप लोगों को है क्या? इस नंबर पे क्या मसला आ रहा है? सिग्नल इशू आ रहा है? सिग्नल इशू यार, जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो कॉल ऑटोमेटिकली कटना शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। यार ये बेड़ा गर्क कर दो टेलीनॉर का, क्या साडा मसला हल करेगा? कहाँ से बात कर रहे हो? मैं जंग से बात कर रहा हूँ। कब से मसला आ रहा है? यार ये आ रहा है मेरे ख्याल से एक महीने से मसला पेश आ रहा है। मैं तो कंजे कहीं गाला नहीं करता ना तो बड़े हरामी हो बेटा। सर माधव साहब, मैं पूछ रहा हूँ नंबर किसके नाम है ये बताइए। बच्चा मुझे मालूम नहीं बताएंगे, मैं आपको कोई रेटिंग नहीं दे सकता। माधव है सर, सिग्नल इशू के वाले से मैंने कम्प्लेन लॉग करवानी है कि हमारे इलाके में मसला पेश आ रहा है। मुझे बताइए किसके नाम है नंबर? क्या कह रहे हो? नंबर किसके नाम है पहले बताइए। क्या कह रहे हो? नहीं हो सकती जी सर, जब तक मुझे नहीं बताएंगे किसके नाम है नंबर। तुम्हारी हिम्मत है? रुको जरा, सबर करो, कम्प्लेन लॉग ना करे तू। सर नंबर किसके नाम है ये बताइए। मुझे कौन बात कर रहा हूँ? हेलो, बात सुनो, ये मेरे साथ टीटू पार्टी बंद कर दे, तेरी मेहरबानी। तू इतने नवा नवा आया तो मैं इतने 6-7 साल हो गए, पूरा माइंड ब्रिज नहीं जानना अच्छी तरीके नाल। आहो ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। अभी इस टाइम कौन अवेलेबल है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर साहब? हाँ बताओ कौन। सर फ्लोर में कोई सुपरवाइजर अवेल नहीं है। अच्छा कहाँ पे गए सारे? सर बिजी है। कहाँ बिजी है? सर टेलीनॉर के बारे में कोई मालूम जानना चाह रहे हैं तो बता दीजिए। उस्मान जी सर, फरमाइए, मैं आपकी कह रहा हूँ बात। ही आपकी आपका जो टीम ट्रेनर है ना, वो शर्जील भट्ट साहब हैं, और शर्जील भट्ट साहब को जरा भी से भी तमीज नहीं कर के अपने रिप्रेजेंटेटिव को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से ट्रेनिंग करना है। ठीक है सर, मैंने आपसे कोई की है कि मुझे आप नंबर की वेरिफिकेशन दे दीजिए। बंद करो, वेरिफिकेशन नहीं बनती। अच्छा सर मुझे बताइए सिग्नल इशू आ रहा है तो और मैं तेको फिल्म सुना दिया। ठीक हो गया सर, बताना चाहूंगा कुछ हमारे इलाकों पे टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से आपको मसला पेश आ रहा है। ठीक है यार, मैंने पता है इंजी, एक गल दसा तुम कान खोल के सुनना मेरी। यार तुम टी टू पार्टी करते हो ना, ये छाड़ दो या अपने खंबे पट लो इतो आके सामने साढ़े किसी काम के नहीं है। और यार शर्म वाली गल है, असि कंप्लेन करवा के थक गए, तुम पता नहीं साढ़े गल नहीं सुनते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना सर, कुछ हमारी कंप्लेंट्स हुई है कुछ इलाकों में टेक्निकल इश्यूज है। यकीन कर ला कि मेरी उम्र 23 साल है। ठीक है, अब मैं ड्रामे सुन के मेरी 23 साल उम्र होगी। मैं 13 साल का सीखा तो मैं ड्रामे सुनने लग गया। ठीक है, पता मैं कौन गल करता पे कुछ वे। जी जी सर, मैं कामरान शाह बात करूँ, नाम सुना आपने? जी सर सुना होगा सर, मुझे मालूम नहीं है। मैं आपको मालूम नहीं है ना, जब आपका कंप्लेन लॉक हो जाएगी ना तो तुझे सब मालूम हो जाएगा कामरान शाह क्या चीज। ठीक है सर, मैं बात आपको समझ रहा हूँ सर। माधव सर मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, किसी भी कस्टमर से सिग्नल इशू को ऐसे कोई भी लेवल पे बनता नहीं है, समझ आई? और दोबारा से ऐसी बकवास मत करना, ऐसा ना कोई कस्टमर गुस्से में आकर तुझे गाली देना शुरू कर दे। नहीं सर हमारा फर्ज है, इसके अलावा यार फर्ज क्या है? फर्ज आज तू भी इसी कॉल पे रहे और मैं भी इसी कॉल पे रहता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा माइकल आल आ जाए, मेरी बात को अंडरस्टैंड करो। कोई भी ऐसा माइकल आल आज, उसको मेरा नाम बता दो, कामरान शाह की कॉल आई हुई है और वो सिग्नल इशू के वाले से कंप्लेन करने जा रहा है, क्या लेवल टू बनता है कि नहीं बनता? अगर वो कहते हैं बनता है, अगर लेवल टू सरकार है तो आप लेवल टू कस्टमर से लें, जिसके लिए लेवल टू बनता ही तुम्हारा दिमाग खराब है लेवल टू लेने का।
सर मैं आपसे कह रहा हूँ कंप्लेन जो भी लोग कर रही है मैं आपकी जब तक आप मुझे आईडी कार्ड नंबर नाम नहीं बताएंगे मैं आपकी एक्टिविटी नहीं कर सकता। मेरे मुंह से तुम गालियां सुनोगे मेरे ख्याल से ठंडी ठंडी, और मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। मतलब आपको मत सिखा सर, मैं आपसे कह रहा हूँ अनप्लग कर और पीछे अपने बताओ टीएल को कामरान छाया और सिग्नल इश्यू के हवाले से कंप्लेन लोग कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं उनसे आईडी कार्ड नंबर मांग रहा हूँ, वो मुझे आईडी कार्ड नहीं दे रहे। अच्छा सर होल्ड करना सर करेंगे मालूम है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझ आ रही है? तुम्हारे सर होल्ड किया है मालूम, तुम्हारे सिस्टम में अनप्लग भी है म्यूट भी है, उनमें से किसी को फॉलो कर लूँ? होल्ड करना सर करेंगे मालूम है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ भाई। नहीं सर होल्ड आपके आपके फायदे के लिए सर, आपकी मालूम है चेक करूँगा। नहीं मेरा की फायदा है, असी एक थोड़ी सेम इस्तेमाल करते हैं, फिर तुझे सन फायदा सुनाते हैं? नहीं हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ होल्ड करना सुन करेंगे, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ना तुम्हारा मैं टीएल का नौकर हूँ, ना तुम ना तुम्हारा नौकर हूँ मैं भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। आपसे मौजूद है सर? मैं मौजूद हूँ, इसे मैं वही कह रहा हूँ सिग्नल इशू मसला आ रहा है सर, आपको इशू वायलेट है, जैसे इंशाल्लाह मसला हल होगा। मुझे फिल्में मत सुनाओ, या फिर इस तरह कर दो मेरी गल सुनो, या मुकम्मल तौर पर तो सिग्नल सारे बंद कर दो, या मुकम्मल तौर पर एक दफा बहाल कर दो, मैं एक महीना होगा थोड़ी बकवास सुनते हुए। अच्छा सर मुझे इतना बताइए, आपको मसला नेट इंटरनेट में आ रहा है कि कॉल करने में आ रहा है? कॉल में आ रहा है। ठीक है कॉल में मसला आ रहा है सर, मैं बताना चाहूंगा इशू हाईलाइट है टेक्निकल इशू। यार टेक्निकल टीम कब्रिस्तान में जाए सारी टेक्निकल टीम। ठीक हो गया सर। यार शर्म वाली बात है, मैं कह रहा हूँ एक महीने से मैं लगातार इन लोगों को बता रहा हूँ कि टेक्निकल मसला है, वो भाई हल करो हल करो साढ़े इलाके हल करो, तुसी को साड़ी गल ही नहीं सुनते, आपकी कहाँ पे टेक्निकल टीम मुझे बताओ तो सही। मैं आपसे बताना चाहूंगा इशू हाईलाइट है इंशाल्लाह, मुझे ऐसी कोई बात तुम्हारी सुननी नहीं है, मैंने कंप्लेन का बोला कंप्लेन कर दो बस। ठीक है सर मालूम है चक्रवा दे, तो होल्ड करना फोन करेंगे। मैं तुम्हारे अब्बे का कोई नौकर नहीं हूँ। नहीं ना मैं तुमसे तनख्वाह लेता हूँ, पीछे तुम बकवास सुन सकते हो लोगों की, कामरान शाह आ गया। मैंने बड़े तमीज से लोगों से बात की, बड़े तमीज से, मैंने बहुत लोगों को इज्जत दी है। मैं एक बंदे ने 36 दफा फोन किया, 36 दफा साड़ी कॉल लैंड होके फिर बंद हो रही है। यार शर्म वाली बात है, हम जो कॉल कर रहे हैं हमारे कॉल के पैसे चार्ज नहीं हो रहे। जी सर तुसी इतने यकी लाई बैठे हो, कनेक्ट होइएगा पीछे, सिर्फ एक दफा मेरा नाम बता दो, लोग आपको हलचल में मचा देंगे कि कामरान शाह की कॉल आ गई है। कामरान शाह था इंजन जिन्हें इजराइल इतने आंदा है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आपकी मालूम चेक कर रहा हूँ, मेरे से कनेक्ट हुए, मैं आपको मालूम चेक करवा देता हूँ, कंप्लेन दर्ज कर देता हूँ, आप जो मुझे कह रहे हैं कर देता हूँ। आप तो मुझसे वो लेवल तो मांग रहे थे ना, शनाख्ती कार्ड नंबर। जी हाँ, तो बनता है कि नहीं बनता? सर मैं आपकी अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी कंप्लेन दर्ज कर रहा हूँ ना। नहीं कंप्लेन जो तुम दर्ज कर रहे हो वो तो तुम्हारा ठीक काम चल रहा है, बट आप मुझे पहले से ये बात कर रहे थे कि जब तक आप मुझे अपना शनाख्त कार्ड नंबर नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, तब तक मैं आपकी यहाँ से कंप्लेन लॉग नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ही है? जी जी सर। ये किस कमीने ने बोला आपको? सर मालूम है चेक की गई ना सिस्टम से, इसलिए मैं कह रहा था। मैं टांगे तोड़ के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ढंग से बात कर रहे हैं ना, स्ट्रीट एरिया पूछ रहा हूँ यार, ये हमें नहीं पता हमें कौन सा इलाका लग रहा है कौन सा नहीं। बाकी सानू इन्ना पता है, असी फोन करता साड़ा फोन 36 बजे से कॉल करनी होती साड़ी, ना फिर कॉल जाके मिल दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उससे का नेटवर्क ठीक नहीं करा, दफा हो जाए तो रात से बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा सिग्नल का इशू, तब आता कि अदरवाइज आ रहा है आपको। मेरी बात सुनो, यकीन कर लो जितनी आपकी घटिया किस्म की कंपनी है ना, इट्स बेटर ये आप भीख मांगना शुरू कर दें। नो गॉड प्लीज नो नो नो
ये जो कंपनी बेहतर हो जाएगी। शर्म वाली बात है, पूरा नहीं दर्ज कर रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं, लाइट जाने का मसला आता है, अंडरस्टैंड कर ले एक दफा। जी जी यार, लाइट से क्या कनेक्शन टावर का मुझे बता दें सर। प्रॉपर एक सिग्नल इशू आ रहा है आपको? नहीं बताएंगे, 24 आवर्स मसला आ रहा है। लाइट से टावर में क्या इशू है यार? बंदा 15,000-20,000 तुसी बैठने चंगे लैक रख लो, तुसी जनरेटर लैक रखो, किसी की इतनी हिम्मत है एक सिग्नल भी कट हो जावे। अच्छा सर मुझे बताइए, ड्यूरिंग कॉल आपको आवाज का मसला आ रहा है? यकीन कर ले मेरी गलती, अगर मुसलमान है ना, हजर नजर को मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं एक ही नंबर पर 36 मरतबा कॉल कर रहा हूँ, कभी आवाज हमारी चलते चलते बंद हो जाती, कभी हमें दोबारा से करनी पड़ती है, बार बार कॉल कर रहे हैं आवाज नहीं आ रही। भाई सभी नंबर मसला पे इशारा, सभी नंबर पे। ठीक है सर, मैं चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं मैं अभी किस नंबर से कॉल कर रहा हूँ, कनेक्ट रहेगा मालूम चेक करूँगा की अपने खिलाफ कम्प्लेन दर्ज करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप मेरे साथ पहले ये बकवास कर रहे थे कि नाम और आईडी कार्ड बताओ तब मैं आपको कम्प्लेन लॉक करूंगा, अब आपको मौत पड़ गई कम्प्लेन लॉक करते हुए, अब आपने मुझसे आईडी कार्ड क्यों नहीं पूछा? वो इसलिए मैंने अर्ज किया था कि हम अपना फर्ज पूरा करते हैं, मगर आपने मैं फर्ज जानता हूँ बच्चे, अब मेरे पक्के वाल हो गए, फर्ज निभाते नहीं पाते, कम्प्लेन लॉक करो अपने खिलाफ। नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? ठीक है सर, आपसे बताइए क्या मसला आया मेरे से? आपने मुझे मिसगाइड किया है। मिसगाइड किया है, कनेक्ट चाहिएगा सर। मिसबिहेवियर, मिस कंप्लेंट प्रोवाइडिंग, क्या मिसबिहेवियर? इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गए, कोई कमेंट्स वगैरह ऐड करवाना चाह रहे हैं? एज पर कस्टमर, कस्टमर ने सिग्नल इशू के हवाले से कॉल की। जी जी और एजेंट ने कस्टमर से लेवल 2 मांगा। ठीक हो गया, आप सब रहेगा? ठीक हो गया सर, मैंने आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा दी, टाइम आपको अपडेट कर दिया, तो इंशाल्लाह इस टाइम तक आपकी कंप्लेंट में एक्शन ले लिया जाएगा। मेरी बात को सुन और इधर मेरी बात सुन, तुम्हें शर्म नहीं आती? जी सर, जी सर बताइए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने बोला सबमिट करो। जी सर, अभी तक मैंने मुकम्मल पूरे कमेंट्स ऐड करवाए भी नहीं थे, मैंने अभी तक ये मेंशन कर, मेरी बात को सुन लो, एज पर कस्टमर ने सिग्नल इशू की वजह से कॉल की, एजेंट से बात की, एजेंट ने कस्टमर से लेवल 2 लिया। जी सर मैंने लिख दी है सर। बकवास बंद कर, कस्टमर का ये कहना है अगर सिग्नल इशू के वाले से कस्टमर का लेवल 2 बनता है तो एजेंट ठीक है, अगर नहीं बनता तो एजेंट के अगेंस्ट एक्शन ले जाए और टर्मिनेट किया जाए। माधव सर मैंने आपसे अर्ज किया, मैंने लिख दी है ये। तो भाई लिख दिया, क्या लिखा मुझे पढ़ के सुनाओ। एस्पर कस्टमर सिग्नल इशू की कॉल की, एजेंट ने कस्टमर से लेवल 2 मांगा, बस लिख दिया मैंने सर, ले लिया। तो बाकी जो तुमने लिखना है वो तुमने कहाँ पे लिखना है मुझे बताओ, जो मैंने आगे लिखवाना है इसमें एक्शन हो ना हो कहाँ पे लिखना है? तेरा दिमाग ठिकाने पे है सर? मालिक सर मैंने अर्ज कर दिया, मैंने अर्ज कर दिया, आपके कंप्लेन दर्ज कर दी, एक्शन ले लिया जाएगा। मैंने बोला कंप्लेन सबमिट करो, आपने कस्टमर के मुताबिक चलना है या आपने मर्जी के मुताबिक चलना है? जी सर मैं बताऊं मुझे, जी सर आपके मुताबिक चलना है। आपका कोई भी टीएल मुझसे बात कर लेना तो आपका टीएल भी गलत होगा मेरे मुताबिक, जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हो। दोबारा से कंप्लेंट सबमिट करो, कमेंट्स की ऐड करवाने में कर देता हूँ, दोबारा से कंप्लेंट सबमिट करो, अगेन कंप्लेंट दर्ज करवाना चाह रहे हैं, अगेन करो। शर्म वाली बात है, इतने हट्टे कट्टे होगा तुम्हें पता ही नहीं क्या करना किस तरीके से काम। ठीक है सर, मालूम चेक करा देता हूँ। फिर कहते हैं कामरान से टाइम से करता, लोगों को ये करता है वो करता है, भाई जिस टाइम आप लोग ठीक से काम ही नहीं करते, टाइम जाया जरूर होता है, आप लोग ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मैं करवा देता हूँ अगेन, आप अपने खिलाफ और अपने सुपरवाइजर के खिलाफ कंप्लेन लॉक करनी तुमने, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? ठीक है मैं करवा दे रहा हूँ सर, आप तो जिस नंबर से बात कर रहे हैं इसी नंबर से यही नंबर ऐड करवाना चाह रहे हैं? यही ऐड करें। ठीक होगा सर। और पहले जो आपने कंप्लेन सबमिट की उसमें आपने ये मुझसे सवाल नहीं पूछा कि किस नंबर से कंप्लेन सबमिट करवानी है तुमने? ऐसा लगा मेरा मजाक कनेक्ट होगा सर, मालूम चेक करूँ। जी सर कमेंट्स लिखवाएगा, एज पर कस्टमर, कस्टमर ने सिग्नल इशू के लिए कॉल की, कस्टमर एज पर कस्टमर ने सिग्नल के लिए कॉल की। जी सर लिखवाएगा, और एजेंट ने कस्टमर से लेवल 2 लिया। जी सर अगेन लिखवाएगा, इसके अलावा क्या लिखवाना है?
कस्टमर का ये कहना है कि सिग्नल इशू के लिए कोई भी लेवल टू दरकार नहीं होता। अपना नाम मेंशन करो एजेंट और टीएल नेम मेंशन करो। इन दोनों पर एक्शन लीजिए और टर्मिनेट किया जाए। मेरी आवाज कट जा रही है? जी सर सही आ रहा है, मैं मालूम चेक कर रहा हूं। आप ये देख सकते हैं मैं किस नंबर से कॉल करूं आपके सामने? जी जी सर जोंग का नंबर है ना? जी जी सर। तो शेम ऑन यू, शर्म वाली बात है। क्या इशू आ रहा सर? यही इशू आ रहा कि जोंग की बेस्ट कॉल्स हो रही हैं। तलनौर तो इतना बड़ा घर को होगा जिम्मे फौज की होगी। तोडेल म्यूजिक मुझे पढ़ के सुनाओ क्या लिखा इसमें। एज पर कस्टमर ने सिग्नल के लिए कॉल की है और एजेंट ने कस्टमर से लेवल टू लिया, ठीक है। कस्टमर का ये कहना था कि सिग्नल इशू के लिए कोई लेवल टू नहीं होता, ठीक है। इस पूरी कॉल को सुनी जाए, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो टर्मिनेट किया जाए, ठीक है। अपना नाम और अपने टेल का नाम जरूर मेंशन करना इसमें। नहीं अपना नाम और अपने टेल का नाम लिखवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जे हो जाए नमूना हो जाए बड़ा नमूना वही। ठीक है आपसे तो रहेगा, क्योंकि अगर तनु एक चीज का पता नहीं ना तेरा टीएल बैठा था समझाने वास्ते, अगर टीएल कुछ काख का नहीं पता फिर तनु समझाने वाला ठोठे। जी जी सर मैं चेक करवा देता हूँ। सर कमेंट्स में मैंने लिख दी गई है, अपना नाम भी लिख दिया है, टीएल का नाम भी लिख दिया है। सबमिट करवा दूँ सर? सबमिट करवा दूँ? सबमिट करो। जी सर कर दी गई सबमिट। सर आपको टाइम अपडेट कर देता हूँ, इंशाल्लाह तक इस टाइम तक आपकी जो कंप्लेन है वो एक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है सर। किस टाइम तक? जी सर 7 तारीख तक 9:08 तक आपकी कंप्लेन में एक्शन ले लिया जाएगा। ये कारोबारी घंटे या फ्लैट हाउस है? जी सर 35 कारोबारी घंटे तक इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा आपका। तो उसका कितने दिन बनते हैं? सर 12 तारीख तक इंशाल्लाह 8:17 तक आपके नंबर पे एक्शन ले लिया जाएगा। अच्छा, तो रेजोल्यूशन टाइम आ रहा है 12 तारीख आ रही है। ठीक हो गया। और मैं आपके इस रवैये से मुतमिन नहीं हूँ। मेरा नाम तुमने सुन लिया होगा? जी जी सर मैंने सुन लिया। दोबारा से ऐसी बकवास मेरे साथ मत करना। जी सर इंशाल्लाह सर ठीक हो गया, मैं माफी चाहता हूँ सर अपने घर से। नहीं ये गलती तुमने बहुत की है, ठीक है सर। और इसका मेन हाल से तो यही है कि आपको टर्मिनेट होना चाहिए। जी सर माफी चाहता हूँ सर आपसे, ठीक है जा सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।